हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ट टेक गाइस। स्वागत है आपका लिनक्स ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 15 में। यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस, जब भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं या फिर जब भी आप करेंगे, तो आपको ये नीड हो सकती है कि आपको किसी अदर सिस्टम से या फिर अदर डिवाइस से कम्युनिकेट करना पड़े, और उन डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर कुछ यूटिलिटीज़ यूज़ की जाती हैं, जिनकी हेल्प से आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी अदर लिनक्स डिवाइस से या फिर सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर रिमोटली किसी डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कौन सी है वो यूटिलिटीज़, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक यूटिलिटीज़ के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बेसिक यूटिलिटीज़ है पिंग, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एफटीपी के बारे में, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद टेलनेट एंड उसके बाद एसएसएच सिक्योर्ड शेल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पिंग के बारे में तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना हो। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं ओपन टर्मिनल में और देखते हैं क्या है यूटिलिटीज़ और कैसे वर्क करेंगी। जूम इन करके टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ी सी विंडो को भी बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पिंग कमांड के बारे में, और पिंग कमांड क्या काम करती है ये हम पिंग कमांड का काम है कि सर्वर के साथ आपका कनेक्शन कितना हेल्दी है ये पिंग एनालाइज करता है। ये एनालाइज करता है कि सर्वर के साथ जो आपका कनेक्शन है वो प्रॉपरली बिल्डअप है या नहीं है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कहीं प्रॉब्लम है या नहीं है, ये पिंग डिसाइड करता है, पिंग एनालाइज करता है। ठीक है, कैसे काम करता है इसके लिए आपको पिंग लिखना पड़ता है टर्मिनल विंडो में। पिंग के बाद एक स्पेस देना होता है, इसके बाद या तो आपको आईपी एड्रेस लिखना होता है जिस सर्वर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। सपोज आपका अगर लोकल होस्ट सर्वर है तो आप उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे, या फिर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड सर्वर है तो आप इंटरनेट का सर्वर भी चेक कर सकते हैं। यानी कि कनेक्शन किसके साथ आपका बिल्डअप है, चाहे वो लोकल कनेक्शन हो चाहे वो पब्लिक कनेक्शन हो, तो यहाँ पर आपका पिंग हेल्प करेगा कि कनेक्शन प्रॉपरली बिल्ड है या नहीं है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पर पिंग के बाद स्पेस देके आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आईपी एड्रेस लिख सकते हैं या फिर आप होस्ट नेम लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास अभी आईपी एड्रेस नहीं है तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम लिखता हूँ www.google.com। ठीक है, जो कि एक यूनिवर्सल सर्वर है जिससे हम कनेक्शन चेक कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मेरा सिस्टम यहाँ पे भी इंटरनेट से कनेक्ट है, तो यहाँ पर ये मुझे तुरंत बताएगा कि मेरा जो कनेक्शन है वो प्रॉपर्ली बिल्ड है या नहीं है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ से जो कनेक्शन है वो चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। 64 बाइट्स जो पैकेट्स है मेरे सिस्टम से सेंड किए जाएंगे, तो जितने पैकेट्स मेरे सिस्टम से सेंड किए जाएंगे अगर उतने ही पैकेट्स रिसीव हो जाते हैं, दैट मीन कि कनेक्शन एकदम परफेक्टली बिल्डअप है। ठीक है, अगर कहीं पर भी एक भी पैकेट मिस हो जाता है, दैट मीन कि कनेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर हमें ट्रबल शूट करना पड़ता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कनेक्शन लगातार चल रहा है 64 बाइट्स फ्रॉम दिस टू दिस, और ये कंप्लीट चलता जा रहा है। ठीक है, इसको स्टॉप करने के लिए आप जस्ट कंट्रोल सी दबा सकते हैं, और यहाँ पर आप देखिए 40 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 40 रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस। ठीक है, दैट मीन कि कनेक्शन हमारा प्रॉपरली बिल्डअप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्लियर कर देते हैं और हमारा पिंग कमांड किस यूज में आता है ये आपको पता लग गया होगा। दूसरी हमारी यूटिलिटी है एफटीपी। ठीक है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक तरह की कमांड है जिसका यूज हम करते हैं रिमोटली अपने दूसरे सर्वर को कंट्रोल करने के लिए, जहां पर हमारी फाइल्स स्टोर्ड हैं उनको हम यहीं से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से उनको मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा काम करता है एफटीपी। किस तरीके से, सपोज मेरी एक पर्सनल वेबसाइट है जिसका सर्वर ऑनलाइन है। ठीक है, अगर मुझे उससे कनेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एफटीपी, इसके बाद आपको सेम स्पेस देके या तो आपकी जो वेबसाइट है उसका आपको एड्रेस आईपी एड्रेस लिखना है या फिर आपको उसका होस्ट नेम लिखना है। सपोज मेरी वेबसाइट है bustoday.net। ठीक है, तो जस्ट मुझे ये प्रेस करके एंटर कर देना है, तो यहाँ पर ये कनेक्ट होगा bustoday.net के सर्वर से। ठीक है, उस सर्वर पर जो पीसी है उससे कनेक्ट हुआ, जो आईडी पासवर्ड मुझे दे रखे हैं वो मुझे यहाँ पे एंटर करने होंगे। सपोज मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड एंटर करता हूँ, ये नेम है यूज़र नेम, और यूज़र नेम अगर सही होगा तो आपके पास आ जाएगा यूज़र नेम इज़ ओके, पासवर्ड रिक्वायर्ड, देन आप पासवर्ड एंटर करेंगे।
ठीक है, पासवर्ड आपको शो नहीं होगा लेकिन एंटर हो रहा है, मैंने प्रेस करा है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस करा तो आपने देखा कि ओके करंट रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरी इज दिस, रिमोट सिस्टम टाइप इज यूनिक्स। ओके, यानी कि जो मेरा सर्वर है वो यूनिक्स सर्वर है, यूजिंग बाइनरी मोड टू ट्रांसफर फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं अपनी जो फाइल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे इजीली देख सकता हूँ कि सर्वर्स पे मेरी कौन कौन सी फाइल है। तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी सारी कमांड्स यहाँ पे रहती है। सपोज मैं यहाँ पे DIR लिखूंगा तो डायरेक्टरी मुझे पूरी शो कर देगा कि कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से मैं अब फाइल्स इसमें ऐड कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, काफ़ी सारे काम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी कमांड इस FTP कमांड के साथ वर्क करेंगी वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सपोज आप यहाँ पर देख सकते हैं DIR कमांड डिस्प्ले फाइल्स इन करंट डायरेक्टरी ऑफ अ रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, रिमोट कंप्यूटर पे जितनी भी फाइल्स थी वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद अगर आप CDDIR नेम यानी कि डायरेक्टरी नेम और ये लिखते हैं तो यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी यहाँ पर आपकी कर देगा जिस तरीके से कमांड में हमने करा था। ठीक है, तो यानी कि रिमोट कंप्यूटर पर आपकी जो डायरेक्टरी है उसका नेम चेंज कर देगा। अगर आपको इसमें कोई फाइल ऐड करनी है तो पुट फाइल का आप यूज लेंगे और अपलोड कर सकते हैं कोई भी फाइल। उसके बाद गेट फाइल, पुट के बाद आपको फाइल नेम यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद गेट फाइल डाउनलोड, अगर आपको फाइल करनी है तो गेट के बाद जस्ट फाइल का नेम लिखेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर इस विंडो से बाहर निकलना हो तो जस्ट यहाँ पर आपको क्विट करना होता है और आप इससे बाहर आ जाते हैं और इस तरीके से लॉग आउट हो जाते हैं। गुड बाय, यू अपलोडेड 0 एंड डाउनलोडेड 0 किलोबाइट्स। तो इस तरीके से FTP का यूज हमारे सर्वर पर जो फाइल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कर देते हैं इसको क्लियर और बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की जिसका नाम है टेलनेट। नेक्स्ट कमांड है हमारी टेलनेट। टेलनेट का सिंटेक्स भी वही सेम रहेगा। टेलनेट के बाद स्पेस देके आपको जस्ट टाइप करना होता है IP एड्रेस या फिर होस्ट नेम सामने वाले लिनक्स कंप्यूटर का। टेलनेट की हेल्प से आप किसी अदर लिनक्स कंप्यूटर के साथ रिमोटली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और रिमोटली कनेक्शन करने के बाद आप अपने ही कंप्यूटर से सामने वाले के कंप्यूटर पर जो भी फाइल्स वगैरह है वो सब मैनेज कर सकते हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से आप उस पर अपना काम कर सकते हैं। ओके, टेलनेट के बाद आपको जस्ट यहाँ पर लिखना पड़ता है IP एड्रेस और या फिर होस्ट नेम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। टेलनेट की सबसे बड़ी खामी ये रही कि इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ ज़्यादा है, यानी कि सिक्योरिटी पैरामीटर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे कि जो यूज़र हैं इस पर बहुत ज़्यादा रिलायबल रह पाए, इसलिए वो टेलनेट की जगह यूज़ करते हैं SSH। करते हैं हम SSH की यानी कि सिक्योर्ड शेल। सिक्योर्ड शेल का जो सिंटेक्स है वो आपका रहेगा स्पेस देके यूज़र नेम एट द रेट IP एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे आप या फिर आप होस्ट नेम लिख सकते हैं। ये आपका इस SSH की बात करें तो टेलनेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि ये आपका कनेक्शन डिजिटली सर्टिफाइड ऑथराइज्ड करता है और साथ ही साथ इसमें जो पासवर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा एनक्रिप्टेड रहते हैं, इसलिए यूजर्स की सबसे ज़्यादा चॉइस SSH है और इसके थ्रू ही वो कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। तो ये थे चार बेसिक यूटिलिटी जिनके थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश किए जाते हैं यूनिक्स और लिनक्स में, और होपफुली आपको ये कनेक्शन बिल्डअप करना या फिर कनेक्शन के बारे में आपको समझ आया होगा किस तरीके से इनका यूज़ लेते हैं, ये भी काफ़ी हद तक मैं आपको समझा पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कनेक्शंस के बारे में कितना नॉलेज आज आपको इस वीडियो से मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लिनक्स के ही कुछ ही इसके पार्ट बचे हैं तो बने रहिएगा तब तक हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। देखते रहिए बस्ट्री टेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।